ये मैंने देखा, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरे पास जो कश्मीर डीडीसी चेयरमैन है, ये हमारे फिरदौस साहब है, और क्या नाम, शबीर साहब है, बड़े पर्सनल, और खास तौर पर जो यहाँ पे राशिद साहब ने जब मुझे जबरदस्त एतकादी भी है और हमारी कश्मीर को फिलासफी को समझने वाला है, ऑरिजिनलिटी को समझने वाला है, बड़ा इनक्रेज करता है इन चीज़ों का। मेरे ख्याल में सुंबल, जिस सुंबल की बहुत इमेज ख़राब हो गई थी, तबाही हो गई थी, यहाँ पे लोग कहते थे कि यहाँ इन्होंने सारे दरख्त उड़ा दिए, वो तबाही कर दी, एनवायरनमेंट डिज़ास्टर का नाम अगर वर्ल्ड में गिना जाता था वो सुंबल गिना जाता था, लेकिन आज मैं दोबारा सरसब्ज़ सुंबल देख रहा हूँ। हमने किया था कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट, जहाँ पे ऑलमोस्ट 24 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, इसमें से गवर्नमेंट स्कूल्स एज वेल एज प्राइवेट स्कूल्स भी आए थे। हमारा मेन मुद्दा और इनिशिएटिव यही है कि बच्चे ड्रग से दूर रहे और खेल कूद में ज़्यादा वक्त दें और इसमें अपनी महारत का ये दिखाए, अपनी महारत दिखाई इसमें, तो यही था। इसमें आज हमने इसका फाइनल कंक्लूड यहाँ पे करना था हमें। इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल जालपुरा के बॉयज़ एंड गर्ल्स वो फतेहयाब हुए हैं और उड़ीना स्कूल, तो यहाँ पे बहुत से मतलब मेहमान खसूस भी यहाँ पे आए थे बहुत सारे, और उनका भी इसमें बहुत सा ये है कि उन्होंने बच्चों में एक अच्छी नशोनुमा के लिए उन्होंने भी अपना ये इसमें वक्त दिया है यहाँ पे फील्ड में आके, और ख़ासकर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तहे दिल से शुक्रगुजार, वॉलंटियर्स का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर हमारी प्रोजेक्ट मैनेजर हुसैन साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।